नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ेंगे एक से एन तक प्राकृत क्रमागत संख्याओं का योग जब उसमें प्लस माइनस का चिन्ह एकांतर क्रम में दिया हुआ हो। कल अपन ने पढ़े थे कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट अपना इसमें कि सारे सारे के सारे चिन्ह या तो प्लस प्लस के थे या माइनस माइनस के थे। आज अपन पढ़ेंगे, देखो इसमें एकांतर क्रम में माइनस प्लस दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखो इसमें बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है। इसमें यह है कि पहले इसमें देखो कि पदों की संख्या कितनी है, सम है या विषम है। इसमें पदों की संख्या है 150, और 150 जब पदों की संख्या सम होती है, ये आपको याद रखने वाली बात है, यानी कि पदों की संख्या यदि सम होगी तो लास्ट वाले पद को उठाएंगे और उसमें सिर्फ अपन दो का भाग लगा देंगे। तो ये कितना हो गया दोस्तों, चिन्ह सहित उठाएंगे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो सम संख्या है वो माइनस की है। तो ये सम है तो लास्ट में इसके माइनस का 150 ही होगा, तो चिन्ह सहित उठाएंगे ऐसा का ऐसा ही, और उसमें दो का भाग लगा देंगे तो कितना आ गया माइनस के 75। तो यही अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी देखो माइनस प्लस है, लेकिन इसमें जो पद हैं वो विषम संख्या में हैं। पद है वो कैसे हैं, विषम संख्या में, यानी कि 49। देखो विषम संख्याएं जो विषम संख्या जो है वो प्लस में है, तो लास्ट का 49 है तो ये भी प्लस का होगा। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि जो जब पदों की संख्या विषम हो तो उसमें लास्ट वाले पद में एक जोड़कर दो का भाग लगाएंगे, तो कितना हो गया 50/2 यानी कि 25। तो क्या आंसर हो गया अपना, आंसर ए हो गया, यानी कि 25 अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि जब पदों की संख्या सम हो तो सिर्फ कुछ भी नहीं करना, लास्ट वाले पदों को चिन्ह सहित उठाएंगे और दो से डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यदि पदों की संख्या विषम हो यानी कि n बराबर विषम हो तो अपन उसमें एक ऐड, क्योंकि 49 में दो का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए इसमें एक ऐड करके दो का भाग लगाएंगे तो 50/2 यानी कि 25 अपना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों एक अलग प्रकार के क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि एक से लेकर 1000 तक प्राकृत संख्याओं का योग दिया हुआ है और फिर वापस डाउन हो रखी है अपनी जो श्रृंखला है, यानी कि पहले तो आरोही क्रम में है और फिर अवरोही क्रम में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो अपन किस प्रकार से करेंगे, अधिकतम संख्या देखो इसके अंदर, ये एक से लेकर कहाँ तक जा रही है, अधिकतम 1000 तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है 1000 तक, उसके बाद में फिर ये डाउन हो रही है यानी कि घटते हुए क्रम में आ रही है। तो अधिकतम जो संख्या है कुछ नहीं करना, बस जो अधिकतम संख्या है उसका अपन स्क्वायर कर देंगे। तो 1000 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसके ये अपन 3 और 3 6 शून्य लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन सा, ये अपना आंसर आ जाएगा, यही इसका शॉर्ट है, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो एक से लेकर 1000 तक प्राकृत संख्याओं का योग किस प्रकार से कर लेंगे अपन, 1+1000/2 और 1000, इसमें 1000 पद हो गए तो ये हो गया। उसके बाद में एक से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग इस प्रकार कर लेंगे, फिर एक से लेकर 999 तक की संख्याओं का 1+999/2, इसमें कितने पद हो गए 999। इन दोनों को हल करने के बाद में दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। लेकिन इससे अच्छा शॉर्ट ट्रिक यही है दोस्तों कि इसमें जो अधिकतम संख्या होगी, मतलब जहाँ तक अपनी समांतर श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में होगी और जो अधिकतम अंक आएगा, अधिकतम जो संख्या आएगी उसका अपन स्क्वायर कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो दोस्तों एक क्वेश्चन और है अपने पास, जो थोड़ा सा कल वाले जो वीडियो था उससे मिल, उसमें जो क्वेश्चंस किए थे उसी से मिलता जुलता है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 दिया है, फिर अपने को कह रहा है कि 7+14+21 70 का योग याद करना है। 7 से लेकर 7 के गुणांक है, कहने का मतलब ये है। तो इसको एक तो इस तरीके से याद कर सकते हैं अपन, ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि इनमें 7-7 का अंतर हो रखा है और 10-70 तक है, ठीक है। तो पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद 7 और अंतिम पद 70, ठीक है दोस्तों, और बट्टे में 2। अभी कितने पद हो गए टोटल, 10 हो गए, तो ये इसको हल कर लेंगे अपन। तो कितना हो जाएगा, 7 और 70 कितने हो गए, 77 × 5,
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जो 35, 7 5 जो 35 3 38, 385। एक तो इस ट्रिक से कर सकते हैं अपन, जो कि अपन ने पिछली वीडियो में किया था। एक इसमें जो ये दिया हुआ है, इसका अगर यूज करना चाहें तो अपन क्या करेंगे, ये दिया हुआ अपने को 7 प्लस 14 प्लस 21, ठीक है दोस्तों, 70। इसमें से 7 जब अपन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक आ जाएगा, 10 तक। इसका मान अपने को दिया हुआ है कितना, 55, तो यहाँ 55 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 385। इस प्रकार से भी अपन इसको हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।